नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको फेशियल पैरालिसिस के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फेशियल पैरालिसिस किसी भी संक्रमण अथवा फेशियल नव में विकृति के कारण होता है और इसमें मुख का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण इसे फेशियल पैरालिसिस कहा जाता है या बेल्स पाल्सी भी कहते हैं। हमारे जो सिर है उसमें 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, उनमें से एक 7th क्रेनियल नर्व ब्रेन से होते हुए हमारी फेस को ब्लड सप्लाई करती है। जब उस नर्व का आगे जाकर 5 भागों में डिवीजन हो जाता है और वह हमारे पूरे फेस को जो है वो नर्व यानी कि ब्लड का सप्लाई करती हैं। अगर किसी कारण से उस नर्व में जो फेस को सप्लाई करती हैं अगर वह डैमेज हो जाती है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस कारण से वह फेस को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती और उसी के कारण से फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। अगर हमारी राइट साइड की नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो राइट साइड का फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। अगर हमारी लेफ्ट साइड की नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो राइट साइड का फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। अगर किसी कारण से हमारे ब्रेन के जो नर्व, जो फेशियल नर्व है वहाँ से सप्लाई होती है, उसमें किसी चोट के कारण, ट्रॉमा के कारण या किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के कारण से वहाँ पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या ट्यूमर वगैरह हो जाता है, तो वो वहाँ से ही ब्लड सप्लाई बंद कर देती है, जिसके कारण हमारा पूरा फेस ही पैरालिसिस हो सकता है। यह कंडीशन वैसे तो बहुत ही कम होती है। अगर किसी की वेन में ब्लड सप्लाई बहुत ही कम गति से धीरे धीरे होती है तो उसको जो है फेशियल पैरालिसिस जल्दी ठीक भी हो जाता है। अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपकी क्रेनियल नर्व्स में या फेशियल नर्व में इन्फेक्शन है उसके कारण भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर है तो भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपके ब्रेन में किसी ने चोट मार दी और आपका या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कारण से भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपकी स्कल में इंजरी है, आप गिर जाते हैं तो उसके कारण भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपके हेड में या नेक में कोई ट्यूमर है जिसके कारण से आपकी ब्रेन से लेकर जो फेशियल नर्व है वो फेस को सप्लाई करती है उसमें कुछ ट्यूमर हो गया है तो भी आपको ब्लड फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपकी ब्रेन में हैमरेज है यानी कि आपको ब्लीडिंग हो गई है किसी चोट के कारण से तो भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। किसी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी के कारण भी आपको हो सकता है। ये कोल्ड एयर कंप्रेशन के कारण भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। कई बार सर्दियों में आप मोटरसाइकिल पर बहुत तेज गति से जो हवा चलती है ठंडी उसमें जा रहे होते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो उसके कारण से भी आपको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है, कई बार जो है मुंह की, अगर आपकी लेफ्ट साइड में फेशियल पैरालिसिस है तो ये मांसपेशी जो है वो लटक जाती हैं और लेफ्ट साइड की तरफ से ही मुंह से सलाइवा आने लगता है। फेशियल पैरालिसिस की वजह से आपको कान में भी दर्द हो सकता है या आपको सुनना भी कम हो सकता है। आपकी जो आंखें हैं उनसे कई बार आंसू निकलते रहते हैं और कई बार आपकी जो पलकें हैं वो स्तब्ध यानी कि स्टिफनेस हो जाती है उसमें। अगर आपके पूरे फेस में पैरालिसिस है तो दोनों तरफ की आपकी मसल्स जो हैं वो लटक जाएंगी, आपकी आंखों से जो है वो स्टिफनेस आ जाएगी, आंसू निकलते रहेंगे, आपके मुंह से स्लाइवा आता रहेगा, आपके जो दांत हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं यानी कि मुंह से आप जो है हिला नहीं सकते, आपके जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं होंगी। कई बार आपको टंग
टंग का पैरालिसिस हो जाता है, आप बोल नहीं सकते हैं, तुतलाने लगते हैं। ये सब फेशियल पैरालिसिस के लक्षणों में ही देखने को मिलता है। अब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। महायोगराज को गुड़ एक एक टैबलेट सुबह शाम गुनगुने जल के साथ दें। बातारी को गुड़ एक एक गोली गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम रोगी को दें। और पंचकर्म में महाविषगर्भ तेल की मालिश करके वहाँ पर वात आदि नाशक कवाथ के साथ नाड़ी स्वेदन करना चाहिए। आपको साथ में 10 मूला रेस्ट और बला रेस्ट भोजन के बाद 20-20 ml की मात्रा समान मात्रा में पानी मिलाकर लेना चाहिए। हरेत के चूर्ण रात्रि में 3 ग्राम की मात्रा गुनगुने जल के साथ लेनी चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।